अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया था, क्या रोज़े की हालत में भाप लेने से रोज़ा टूट जाता है? क्या हम रोज़े की हालत में भाप ले सकते हैं? याद रखें, अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में भाप लेता है, इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि भाप लेने की वजह से पानी बुखारात में तब्दील होकर नाक के रास्ते चूँके पेट के अंदर चला जाता है। इस वजह से रोज़े की हालत में भाप लेने की इजाज़त नहीं है और इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। लिहाजा जो हजरात इस मसले से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है इसमें लोग बहुत ज़्यादा भाप वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जिनको इस मसले का इल्म नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इस मसले को बताएँ और उनको इस तरफ से आगाह करें कि भाई अगर तुमने रोज़े की हालत में भाप ली तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा। उम्मीद है आप हजरात को ये मसला अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर हमसे दोबारा से कोई भी ये मसला हो या कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका माकूल और आसान जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.